नमस्कार दोस्तों, ये हमारा किचन गार्डन है। वो यूकिनी को तो अभी फल आने लगा है, एक दो दिन में और बढ़ जाएंगे। भिंडियाँ भी सारी उग गई हैं, प्याज चल रहा है, ये बाथू लगा हुआ है, धनिया है, धनिया में हमने बीच में ये भिंडी और लगा दी है। इस साइड में ये कुछ टमाटर के पौधे हैं और ये मिर्च है, मिर्च अब लगनी शुरू हो गई है, धीरे धीरे मिर्च बनने लगी है। ये दो हमने खीरे की बेल लगाई हैं, अभी और धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ये चप्पन कद्दू, यहाँ हमने ये बैंगन लगाया है, एक पौधा बैंगन का और एक पौधा जो है ये तरकी बेल है। तो तरकी जो बेल है, आप देख सकते हो कि कैसे जो लालड़ी है, पंपकिन, रेड पंपकिन बीटल है जो, तो उसने पत्ते ऐसे खा रखे हैं। लेकिन सभी की सभी बेल जो हैं उसके बावजूद भी बढ़ती जा रही हैं, नए पत्ते आ रहे हैं। तो ये हमने एक मॉडल तैयार किया है कि एक ही जगह पे ज़्यादा फसलें कैसे ली जा सकती हैं। तो तरकी बेल जो बीच में हमने 3 फीट जगह छोड़ी है, तो यहाँ हम इसको बढ़ाएंगे, बैंगन के पौधे ऊपर को बढ़ते रहेंगे। तो इसके साथ साथ में एक लाइन ये लोबिया की लगाई है, ऐसे ही जो मिर्च वाली साइड है उसमें एक साइड में बेड पे लोबिया लगाया हुआ है। तो साइड में ये हमारे टमाटर हैं, तो उनके साथ साथ ये लौकी की बेल लगा रखी है, अपने कद्दू की एक बेल लगा रखी है। यहाँ फेंसिंग में साथ साथ एंड पे जो है ये करेले की बेल लगा रखी है, तो पाँच फुट पे हमने लगा रखा है ये। इसके साथ ही हम एंड में जो है तो अभी अरबी की पनीरी हो रखी है, वो लगाएंगे। तो ये हमने करेले की बेल लगा रखी है, इसको ये फेंस जो है उस पर चढ़ाएँगे। तो साथ साथ में हमने जो है एंड में अरबी भी लगा रखी है। तो अभी हम एक पनीरी की तरह तैयार करते हैं और लगा देते हैं। ये एक थोड़ी खाली जगह थी बीच में, उसमें हमने ये फलियों के लिए ये गुआरा लगाया है। यहाँ भी अभी हमने ये प्याज की एंड में लगा दी है। इस साइड में जो है बाहर हमारे पास खाली जगह है, तो ये तोरी की बेल हमने इसमें लगा दी है। प्याज निकल जाएंगे तो तोरी की बेल चल पड़ी है। यहाँ साइड में कुछ बाथू के पौधे उगे हुए थे, तो उसको थोड़ा तरतीब में कर दिया है, यानी कि साइड साइड में, तो बाथू भी हमें मिलता रहता है। यहाँ भी कुछ टमाटर के पौधे हैं, ये भिंडी की पनीरी लगाई हुई है, ये कुछ बैंगन मिर्च के पौधे हैं, यहाँ पे धनिया लगाया है गर्मियों वाला, ये थोड़ी सी मेथी भी लगाई है, भिंडी है, लेमन ग्रास लगाया है, ये ग्वार की पनीरी है, ये पड़ोसियों को हमने देंगे। तो यहाँ ये मल्चिंग करके इसमें हमने अरबी की पनीरी लगाई है, तो धीरे धीरे इसको साइडों में जो ट्रांसप्लांट करेंगे। ये हमारी टिंडे की बेल है, बीच में ये शिमला मिर्च के पौधे हैं, ये लाइन में चप्पन कद्दू है, यहाँ ये शिमला मिर्च और लोबिया। तो हमने दो तरह का लोबिया लगाया, एक बाज़ार वाला और एक यूनिवर्सिटी का जो बागवानी विभाग की जो बीज किट थी। इस बार आपको कंपैरिजन दोनों में बताएंगे। तो एक लाइन शिमला मिर्च है, एक लाइन लोबिया, इसे हमने लगाया है। तो लोबिया तो थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाएगा, शिमला मिर्च जो है लंबी चलेगी। तो यहाँ हमने एक और जो अरबी का बीज है वो किसान से लिया, वो था ऑर्गेनिकली तैयार किया हुआ, तो उसकी पनीरी लगाई हुई है। इसको भी गिरला करेंगे, धीरे धीरे सभी तरफ लगा देंगे। साइडों में ये गेंदा लगाया हुआ है, तो ये मक्खियाँ आएंगी और पोलिनेशन करेंगी। एंड में इस साइड में हमने यहाँ पे पुदीना लगाया हुआ है दीवार के साथ साथ, और उसके दूसरी साइड में बेड पे स्ट्रॉबेरी लगाई हुई है। तो आप देख सकते हो कि स्ट्रॉबेरी अब लगना शुरू हो गया है। तो इस तरीके से आप ये पकना भी शुरू हो गई है, तो ये पहला फ्रूट हमें मिल गया है। अभी धीरे धीरे इसकी क्वालिटी भी अच्छी बनेगी।
तो अगले साल के लिए बहुत सी जड़ें जो हैं इसकी तैयार हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम लगभग सारी सब्जियां जो हैं वो खुद उगा सकते हैं। अगर 5 मेंबर हैं परिवार में तो 5 मरले में बहुत हो जाता है। तो ये डेढ़ मरले में हम दो तीन जो जी हैं परिवार के, उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। धन्यवाद।